हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रदूषण से होने वाले रोग। ठीक है, प्रदूषण से होने वाले रोगों के विषय में पढ़ने वाले हैं। इसमें से पहला रोग है मिनी माता रोग। मिनी माता रोग, ठीक है, मिनी माता रोग ये किस प्रदूषण से होता है? तो ये होता है पारा के प्रदूषण से। किससे होता है? पारा के प्रदूषण से। ठीक है, पारा जब प्रदूषित होकर हमारे शरीर में पहुंच जाता है तो ये रोग हो जाता है। याद कैसे रखेंगे? याद रखेंगे माता जी और पापा जी। ठीक है, पापा पापा जी से याद रखेंगे, माता जी और पापा जी। पापा से पारा बना देंगे और माता से मिनी माता बना देंगे, तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा, माता जी पापा जी, माता जी पापा जी। ठीक है ना, तो जो है माता से पारा। अब ये पारा किस फॉर्म में पाया जाता है, कहाँ से हुआ, कैसे हुआ? ये जापान की एक खाड़ी थी, जापान की एक खाड़ी थी जिसका नाम था मिनी माता। वहाँ पे खाड़ी में मछलियों में फैला हुआ था और उन मछलियों से ये फैला है। यानी कि जापान की खाड़ी मिनी माता। ठीक है, जापान की खाड़ी का नाम है ये मिनी माता। और जापान के किस शहर से हुआ है? क्यूशू शहर से। ठीक है, ये कहां पर है? क्यूशू शहर। क्यूशू, जापान तो बहुत बड़ा है, इसमें एक क्यूशू शहर है, उसके पास में एक खाड़ी है जिसका नाम है मिनी माता। तो वहां की मछलियां थी, मछलियों के अंदर ये जो है पारा आया था और उन मछलियों के सेवन से ही ये इंसान में भी आ गया। इसमें होता क्या है, ये जो पारा पाया जाता है ये मिथाइल मर्क्यूरिक, ठीक है, मिथाइल मर्क्यूरिक क्लोराइड के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, मिथाइल CH3HGCl इस फॉर्म में जो है ये उत्पाद है, इस फॉर्म में जो है ये मछलियों में जाता है और फिर वही मछलियां इंसान जब खा लेता तो उसको भी हो जाता है। इसमें प्रभावित क्या होता है? मस्तिष्क प्रभावित होता है। ये सभी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, मस्तिष्क प्रभावित होता है। जब मस्तिष्क प्रभावित होता है तो मस्तिष्क तो हमारी पूरी बॉडी का सेंट्रल कंट्रोलर है, तो उससे जो है कई चीजें हमारी बिगड़ जाती हैं। यानी कि इस रोग से मस्तिष्क प्रभावित होता है और मस्तिष्क के प्रभावित होने के बाद बहुत सारी हमारी बॉडी की चीजें जो है बिगड़ जाती हैं। तो इससे क्या क्या प्रभाव पड़ता है? एक तो मस्तिष्क जब प्रभावित होता है तो इससे अंधापन, बहरापन, जीभ, होठ या कुछ भी काम करना बंद कर देता है। यानी कि अंधापन भी आ जाएगा, बहरापन भी आएगा। अब जब मस्तिष्क ही प्रभावित हो गया तो कुछ भी उसमें जो है गड़बड़ हमारे शरीर का हो सकता है। तो कई इसमें से ये क्वेश्चन पूछे गए, मिनी माता किस जो है कारण होता है? तो पारा की जो है प्रदूषण के कारण होता है। जापान की मिनी माता खाड़ी से फैला हुआ, ये भी पूछा गया है। खाड़ी जो है क्यूशू शहर के पास है, ये भी पूछा गया है। और जो है मस्तिष्क प्रभावित करता है, ये भी पूछा गया है। तो ये आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। फिर दूसरा है इटाई इटाई रोग। तो जो इटाई इटाई रोग होता है कैडमियम के प्रदूषण के कारण होता है। कैडमियम के प्रदूषण के कारण होता है। और कैडमियम जो होता है सीडी, ये इसका जो है संकेत है, सीडी कैडमियम के प्रदूषण। याद कैसे रखेंगे? जैसे ईटा याद रखेंगे, इटाई से ईटा याद रखेंगे। जैसे ईटा कट कट होता है, ठीक है, कट कट से कैडमियम याद रखेंगे। ईटा जो होता है कट कट होता है, तो उससे याद रखेंगे इटाई रोग जो होता है ये कैडमियम के प्रदूषण के कारण होता है। इसमें होता क्या है, क्या आफत, क्या मुसीबत आ जाती है? इसमें होता यह है कि जो हमारी जो हड्डियां, और ये किसका रोग होता है? हड्डियों का और जोड़ों का रोग होता है। हड्डी और जोड़ों का रोग है ये। ठीक है,
हड्डी और जोड़ों का रोग है ये। इसमें हड्डियां जो है क्षणभंगुर हो जाती हैं, भंगुरित हो जाती हैं, यानी कि बहुत ही कमजोर हो जाती हैं। हड्डी और जोड़ों में दर्द भी होने लगता है, जोड़ कमजोर हो जाते हैं, उठने बैठने पर दर्द भी होता है। तो इस तरीके से ये कैडमियम जो है हड्डियां मान लीजिए कटर कटर होने लगती हैं, कटर कटर हड्डियां, जैसे ईंटे कटर कटर होते हैं वैसे हड्डियां भी कटर कटर होती हैं। तो इस प्रदूषण में ये जो हमारे शरीर में पहुंचता है ये प्रदूषण, तो इससे ये रोग भी हो जाता है। तो ये दोनों चीजें पूछी गई, किसके प्रदूषण से होता है और हमारे शरीर में कौन सा अंग इससे प्रभावित होता है, तो दोनों ही चीजें आपको याद होनी चाहिए। फिर उसके बाद है, ये दो प्रदूषण हो गए। फिर एक होता है ब्लूबेरी रोग, ब्लू बेबी रोग, ब्लू बेबी रोग, ठीक है। ये हमारे एग्जाम में पूछा गया था पीसीएस में, और बड़े ही जो है अच्छे अंदाज में पूछा गया था। पूछा ये गया था ये किसके प्रदूषण से होता है, पूछा ऑप्शन दिया था नाइट्रोजन के, ठीक है, नाइट्रोजन के या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रेट या नाइट्रस ऑक्साइड, साइड, ठीक है। ऐसे चार सब में नाइट्रस दे रखा था। अब इतना पढ़ने के बाद जब बच्चा थोड़ा सा अगर नहीं कंफ्यूजन होगा तो वो नहीं बता पाएगा, ठीक है। तो इसमें जो है पूरा कंफ्यूजन हम लोग दूर करते हैं, ठीक है, कंफ्यूजन दूर करते हैं। ब्लू बेबी रोग होता क्या है, ये नाइट्रस का प्रदूषण है, ठीक है, नाइट्रस के प्रदूषण के कारण ये जो है हो जाता है। देखिए वायुमंडल में हमारे 78%, ठीक है, लगभग 78% तक का नाइट्रोजन है, और जो हम लोग एयर को, जिस हवा को हम लोग सांस लेते हैं, उसमें भी हमारे बॉडी के अंदर कम से कम 78% नाइट्रोजन अंदर जाती है। जब अगर हमारे शरीर में अगर ये नाइट्रोजन जाती है तो सभी पूरी दुनिया को जो है ब्लू बेबी रोग हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। इसका कारण यही है, यानी कि हमारे शरीर में जो नाइट्रोजन होती है तो नाइट्रोजन नहीं घुल पाती है, नाइट्रोजन हमारे शरीर में जो होती है वो नहीं घुल पाती है, तो नाइट्रोजन एज इट इज यानी कि कोई प्रभाव नहीं डालती, क्योंकि ये हमारे शरीर में घुल ही नहीं पाती है। जितना नाइट्रोजन हम लेते हैं उतना ही बाहर छोड़ देते हैं, तो नाइट्रोजन हमारे शरीर में मिल नहीं पाती है, तो नाइट्रोजन नहीं होगा। दूसरी चीज जो है नाइट्रस होता है ये हमारे शरीर में ब्लड से घुल जाता है, यानी कि नाइट्रस रक्त में घुल जाता है, ठीक है। नाइट्रस जो होता है हमारे शरीर में घुल जाता है, और हीमोग्लोबिन के साथ जो नाइट्रोजन होता है, ठीक है, जो नाइट्रोजन होता है नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है ये हमारे हीमोग्लोबिन के साथ, ठीक है, नाइट्रस हीमोग्लोबिन बना लेता है, जो कि एक अक्रिय तत्व है। ये क्या है, एक अक्रिय है। ये जब अक्रिय हो जाता है तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं कर पाता, यानी कि हमारे ब्लड में फिर ऑक्सीजन नहीं घुलेगी। अगर ये नाइट्रस घुल जाएगा हमारे शरीर में तो ऑक्सीजन नहीं घुलेगी, और ऑक्सीजन अगर नहीं घुलेगी तब क्या होगा, जब ऑक्सीजन हमारे शरीर में नहीं घुलेगी तो हमारा शरीर फिर नीला पड़ जाएगा, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन रहेगा नहीं। जब ऑक्सीजन हमारे ब्लड में नहीं रहेगी तो खून हमारा कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। तो इसमें जो है अक्रिय हो जाती है, ऑक्सीजन नहीं घुलती, और जब ऑक्सीजन नहीं घुलती तो रक्त कैसा हो जाता है, रक्त नीला हो जाता है। तो रक्त नीला हो जाता है, इसीलिए इसको ब्लू बेबी रोग कहते हैं। और दूसरी चीज, ये बड़ों में नहीं होता है, ये बच्चों में होता है, क्योंकि जो है बच्चों में ये अधिक देखा गया, इसीलिए बेबी रोग कहा गया है ब्लू, इनका शरीर जो है नीला हो जाता है। फिर उसके बाद है ब्लैक फुट रोग होता है। जो ब्लैक फुट रोग होता है ये किसके
जो है उससे होता है आर्सेनिक के, आर्सेनिक याद रखेंगे, आर्सेनिक के प्रदूषण के कारण जो है ब्लैक फुट होता है। ठीक है, जो ब्लैक फुट कैसे याद रखेंगे, जैसे सैनिक जो हमारे भारतीय सैनिक है तो सैनिकों के जो फुट होते हैं यानी कि पैर होते हैं, देखिए हरदम वो जूता पहने रहते हैं और ऊपर तक का पहने रहते हैं। ठीक है, तो वहां से बना दीजिए जो सैनिक हैं भारतीय उनके हमेशा ब्लैक फुट यानी कि हमेशा पैर उनके ब्लैक ब्लैक से रहते हैं, 24 आवर्स वो अपने जो है सीमा पर जूते पहन के घुमा करते हैं, तो उससे याद रखेंगे कि सैनिकों के ब्लैक फुट होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको याद रहेगा। दूसरी चीज में होता क्या है, ये ज्यादातर जो है ब्लैक फुट जो होता है ये पशुओं में अधिक होता है। ठीक है, पशुओं में अधिक होता है। ठीक है, तो ये आर्सेनिक के प्रदूषण के कारण होता है ब्लैक फुट। ठीक है, तो ये सभी जो है प्रदूषण से होने वाले रोग हो गए। ठीक है, ये सभी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और एक एक रोग से जितनी जितनी चीजें पूछी गई वो सारी हमने जो है इसमें इन्वॉल्व कर ली है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।